नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बिल्कुल नई वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली मैं 9 जुलाई के लिए बना रहा हूँ, 9 जुलाई सन 2020। बाकी आप इस शेयर को इस प्राइस पे 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई इसके आसपास कभी भी खरीदें तो आप खरीद सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अब आप टेक्निकल एनालिसिस की बजाय प्रैक्टिकल एनालिसिस शुरू कर दो। टेक्निकल चार्ट पे अगर आप जाओगे, आप सिर्फ छोटी सी बात का ये जवाब दो, जो 6 महीने पहले जो सिचुएशन थी, लगभग लगभग निफ्टी उसी रेट पे पहुंच चुका है। पर क्या जो 6 महीने पहले बिजनेस होता था वो हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। तो ये क्या चक्कर है, क्या कारण है, क्यों इतनी लिक्विडिटी है, ये इसका कोई सटीक जवाब नहीं है मेरे पास। बाकी हो सकता है कोई एनालिस्ट कुछ भी बोले, पर मेरे को ये पर्सनली सिर्फ मैनिपुलेशन लग रहे हैं। खैर, कुछ कंपनियाँ हैं जिनको कोरोना वायरस का बहुत फ़ायदा हुआ है, कुछ कंपनियाँ वो हैं जिनके पुराने काम अटके हुए थे वो होंगे। ITDC के बारे में बात करते हैं। ITDC जिनको नहीं पता है, वो ये मतलब इसका मोटे तौर पे मेन जो बिज़नेस है, जैसे इसकी होटल्स वगैरह हैं, अशोक होटल भी इनका है, और ये टूरिज़्म पे मेनली फोकस करते हैं। तो सरकार के पास क्या है, सरकार को इसकी हिस्सेदारी बेचनी थी, कोरोना से पहले ही हो जाना चाहिए था काम, पर कुछ ना कुछ कारणों से कोरोना आया, सरकार के डाइवर्जन हुए, तो ये हो नहीं पाई इनका डील। अब इसकी प्राइवेटाइजेशन होगी, जब प्राइवेट बिडर्स आएंगे तो इसका रेट बहुत ऊपर जाएगा। प्रैक्टिकली जब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो और बिजनेस करने के लिए ही आएगी, कोई पैसा अपना ऐसे फालतू में नहीं लगाएगा। सरकार इसको अभी हैंडल नहीं कर पा रही है, तो इतना ये रिटर्न दे नहीं पा रही। नहीं तो आप इस शेयर का अगर एनालिसिस देखेंगे और इसके मैक्सिमम वगैरह देखें, 2200 रुपये का शेयर रहा है ये। अब सिचुएशन ऐसी है, 217 का मिल रहा है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तकरीबन ये 150-160 के पास भी गया था, पर जो गया था उस पर आप मत जाइए। अभी बिज़नेस ठप है, कुछ नहीं चल रहा है, पर ये कंपनी बिकनी ही है। हफ्ते में बिके, 10 दिन में बिके, 15 दिन में बिके, पर ये बिकेगी। अगर मैं इसका आपको पैटर्न दिखाऊँ तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो होल्डिंग्स वगैरह है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कितने शेयर्स हैं इसमें, मेजर जो शेयर होल्डिंग है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इसका मतलब गवर्नमेंट की अपनी हिस्सेदारी है। अब गवर्नमेंट को बिज़नेस करना है, और मोदी सरकार के बारे में कोई कुछ भी बोले, ये पैसा कमाने में एक्सपर्ट हैं। ये प्राइवेटाइजेशन करके कुछ ना कुछ बिज़नेस बढ़ा के पैसा कमा के देंगे देंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, इसकी न्यूज़ जल्दी, फैसला जब भी आएगा कैबिनेट में, जिस दिन इसको मोहर लग गई, ये शेयर आपको आराम से 30-40% रिटर्न इंस्टेंट मतलब दे देगा 1 महीने के अंदर। बाकी इसको आप लॉन्ग रन में भी रखना चाहें तो ये अच्छा शेयर है, पर फिलहाल के लिए मैं लॉन्ग रन कुछ अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको जहाँ प्रॉफिट मिले आप निकाल लो। फिलहाल इसका जो रेट है, ये अगर गिरेगा भी तो ये 200 से नीचे तो नहीं जाने वाला है। मैं यही कहूँगा आप इस शेयर को उठाओ, और 200 तक भी जाए तो इसको और उठाओ। बाकी जिस दिन आपको ये 30-40% रिटर्न दे दे, जिस दिन हो जाएगी सर्किट पे सर्किट लगेंगे इसके, उस दिन आप बेचो, प्रॉफिट बुक करो और अपना और कहीं पैसा लगाओ। बाकी मैं प्रैक्टिकल एनालिसिस और वीडियोस देता रहूँगा आपको। आप सब्सक्राइब करो, आपको 36 यूट्यूबर्स मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस देंगे। आप हर टेक्निकल एनालिसिस को समझो, बस सिर्फ इस बात का जवाब ज़रूर देना कि जो 6 महीने पहले हालत थी वो तो नहीं है, तो टेक्निकली इतना कौन स्ट्रांग हो रहा है जो सेम निफ्टी को उसी रेट पर ले गया। कुछ कंपनीज हाँ ज़रूर हैं, जैसे भेल है और BEL है, ITI है, इनका बिज़नेस बदल रहा है। इनके बारे में कोई टेक्निकल एनालिसिस देता है तो आप वो अच्छे से समझो, पर फालतू की कंपनियां बजाज फाइनेंस वगैरह के जो इतने लॉस हो रहे हैं, उनके टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे वो इतने रेट चढ़ा रहे हैं, वो गलत है। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर करो, मैं और नई वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। ईशान दहिया मेरा यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद।